कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ यानी कुंडिया के चुनावों को लेकर सदस्यों को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इन चुनावों में बार बार आ रही अड़चनों के चलते ही 12 अप्रैल से पहले होने वाले चुनाव अभी तक नहीं हो पाए हैं। दो दिन पहले ही इन चुनावों की 9 अगस्त को होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब ये उम्मीद भी धूमिल हो गई है। इन्हीं दिनों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से दीक्षांत समारोह आयोजित करने की तैयारियां की जा रही हैं। समारोह के लिए मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों के नाम फाइनल होते ही समय की भी घोषणा कर दी जाएगी। दीक्षांत समारोह की तैयारियों में शिक्षकों से लेकर गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी जुटना होगा। ऐसे में अब कुंडिया चुनाव की यह तिथि भी स्थगित कर दी गई है। दीक्षांत समारोह अगस्त के पहले पखवाड़े में आयोजित होने के बाद दूसरे पखवाड़े में कुंडिया चुनाव कराए जा सकते हैं। कुंडिया के संविधान के अनुसार इसके हर साल चुनाव करवाए जाने हैं। बीते वर्ष कुंडिया चुनाव 12 अप्रैल को करवाए गए थे। ऐसे में नियमानुसार 12 अप्रैल 2023 से पहले अगली कार्यकारिणी के चुनाव करवाए जाने थे। चुनावों की घोषणा न किए जाने पर कर्मचारी नेताओं ने कुंडिया कार्यकारिणी के सामने मांग उठाई। इसके बाद डिमांड चार्टर की कुछ मांगों पर सहमति के साथ साथ कार्यकारिणी परिषद में कुंडिया के प्रतिनिधि को शामिल किए जाने तक चुनाव को टाला गया। इसके बाद मई माह में कुंडिया ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को प्रशासन को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय की ओर से चुनाव करवाने की मांग उठाई गई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस मांग पर सहमति जताई। इन्हीं दिनों 6 जून से 20 जुलाई तक शिक्षकों की छुट्टियों के चलते घोषणा नहीं की जा सकी। अब 20 जुलाई के बाद छुट्टियां खत्म होने पर 9 अगस्त को चुनाव कराए जाने की योजना तैयार की गई थी। कुंडिया के पूर्व महासचिव एवं कर्मचारी नेता रविंदर तोमर द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार कुंडिया चुनावों में पहले ही 3 माह की देरी हो गई है। अब अगस्त के पहले पखवाड़े में दीक्षांत समारोह प्रस्तावित है। इससे पहले उन्होंने कई बार कुंडिया पदाधिकारियों से मुलाकात कर चुनाव समय पर करवाने की मांग की थी, लेकिन वर्तमान कार्यकारिणी तरह तरह के बहाने लगाकर चुनावों को टालती रही। वहीं कुंटिया प्रधान रामकुमार गुर्जर द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 से पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ही कुंटिया का चुनाव करवाता आया है। बीच में खींचतान के चलते कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन चुनावों से हाथ पीछे खींच लिए थे। अब दोबारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस पर सहमति जता दी है। शिक्षकों की छुट्टियों के चलते इसमें देरी हुई। कुंटिया कार्यकारिणी ने 9 अगस्त को चुनाव करवाए जाने की योजना भी तैयार कर ली थी, लेकिन ऐन मौके पर दीक्षांत समारोह का समय तय होने पर इन्हें टालना पड़ा है।